से आंखों में चुभता हाल से। कल शाम को शुभम सिंह मेरे पास आए थे, इनका कल बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। बात छिड़ने लगी फिर से आंखों में चुभता कल का धुआं हाल तेरा न हमसा है इस Hey guys, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। ऊपर वाले का आशीर्वाद है और एक कहावत भी है, जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है उसको कुछ नहीं होता है। पटना भाई का रिपोर्ट लाना है, सीटी स्कैन का डॉक्टर से मिलना है और उनको रिपोर्ट दिखानी है और सब कुछ एडवाइस लेके आना है। तो 11:30 हो रहे हैं, 12 बजने वाले हैं और दो घंटे में हम पटना पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे फ्रेंड भी जा रहे हैं। बताइए, आपको एक बात हमें शेयर करनी है आपसे। इस बात का एक बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है कि भाई ने मुझे कॉल किया और उस टाइम पर हम वहाँ नहीं थे। और सेकेंड इस बात का कि जो लोग एक्सीडेंट के टाइम पे तमाशा देखते हैं, बस उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि कभी कोई भी हो सकता है, कभी भी। जब मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ है तब 5 मिनट तक लोग तमाशा देख रहे थे। उसकी नाक से ब्लड, सर से ब्लड, मुंह से ब्लड, सभी जगह से ब्लड आ रहा था और कोई जाके हेल्प नहीं कर रहा था। ये सब सोच के ना, सुन के ना खून खोल जाता है, छोरो क्या बोलूं। और रोते रोते आंसू सूख चुके हैं। जो हमारी सिचुएशन ऐसी है ना कि मतलब क्या बताएं आपको। बस एक ही बात हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि कहीं भी आप किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट देखते हो, चाहे आपके वो जानने वाले हो या ना हो, प्लीज उनकी हेल्प कर दिया करो। हो सकता है कि आपके उस हेल्प की वजह से उनकी जान बच जाए, क्योंकि एक्सीडेंट का जो वो आधे घंटे एक घंटे का जो पल होता है ना, उसी एक घंटे के पल में किसी की जान बचाई जा सकती है। आप बिलीव करो कि इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा था, वो 5 मिनट का पल था, अगर वो पल आधे घंटे एक घंटे का होता तो आप सोचो क्या हो सकता था। कल रास्ते भर मैं रोते आया हूँ। इस बात का अफसोस है कि बस इस बात का मुझे इतना अफसोस है ना कि मेरे भाई ने मुझे कॉल किया कि भैया आप जल्दी आओ, और मैं इतनी दूरी पे था कि मैं चाह के भी नहीं आ पा रहा था। इस बात का इतना अफसोस है ना कि काश मैं उस टाइम पे होता, सभी लोगों को संभालता, सब लोगों को देखता, सब पूरी फैमिली कल क्या बताऊं। बस लास्टली यही बोलना चाहूंगा कि बस आप अपनी दुआएं, अपना प्यार हम पे बनाए रखना। बाकी कुछ विशेष बातें भाई से बातें कराएंगे आपको, अभी हम उसको ब्लॉग में शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच सकते हो जिसके ऊपर इतना पीरा हुआ है तो शायद अभी कैमरा फेस करना उसको सही भी नहीं लग रहा होगा। बट हम जल्दी कल वाले ब्लॉग में आपको आप लोगों को हम बात भी कराएंगे भाई से, सब कुछ हाल समाचार जो भी होता है। तो पटना के लिए निकल पड़े हैं, धूप काफ़ी तेज है और आज है बोल बम का टाइम भी, और आज कांवर वाले लोग डाक बम इस रोड में और उस रोड सराय रोड जो है हमारे घर के बगल वाला, वहाँ भी काफी ज्यादा चलता है। तो बहुत सारा रोड आज ब्लॉक भी होगा, पटना निकलना है, काफी टाइम भी लगेगा। फाइनली पहुंच चुके हैं पटना। और रास्ता किधर से है भाई? संडे है और पता नहीं आज बंद भी हो सकता है। तो चलो रिपोर्ट लेने के लिए, रिपोर्ट लेके फिर डॉक्टर से मिलना है हमें। अरे क्यों? रिपोर्ट हमें मिल गया और अभी डॉक्टर से मिलना है हमें। कल शाम को सीटी स्कैन हुआ था तो रिपोर्ट मिलने में टाइम लग गया, उन्होंने बोला कि कल मॉर्निंग में देंगे, तो आज हम लोग आए थे रिपोर्ट लेने के लिए। भाई रिपोर्ट समझ में आ रहा है क्या तुमको? रिपोर्ट हमें मिल चुकी थी और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। जो डॉक्टर है ना वो पारस के डॉक्टर है और उनका क्लिनिक भी है, तो अभी हम लोग उनके क्लिनिक पे ही जाएंगे, वहीं पे मिलेंगे उनसे, पारस में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होता है और काफ़ी टाइम लग जाता है मिलने में। जी,
वो हील अपने आप हो जाएगा ना। सर रख लीजिए ओके सर के पास। और फाइनली यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह जो भी है हमने चेक करवा लिया, बाकी सर से मिलते हैं और सर से बातें करते हैं। सब कुछ सही है बट होने में टाइम लगेगा। सर बोल रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। सीटी स्कैन का लगभग रिपोर्ट जो भी है सब नॉर्मल है। वैसे आपको हम इस हॉस्पिटल का जानकारी भी दे देंगे, अगर आप भी चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हो। एडवांस डेंटल सॉल्यूशन सर काफ़ी अच्छे हैं और ये देख सकते हो अशोक राजपथ पे हैं। बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत प्यारे हैं स्वभाव के। और ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर। सर से बातें करते हैं, सर रिपोर्ट देख के क्या बताएंगे आपको। और क्योंकि आप लोग भी जानने के इच्छुक हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया के साथ क्या हुआ है, भाई के साथ क्या हुआ है, तो सर ये चलिए सर से मिलके बातें करते हैं। तो जो भी जानकारी है वो सर आपको बताएंगे। तो सर क्या रिपोर्ट में आ रही है? हेलो एवरीवन, कल शाम को शुभम सिंह मेरे पास आए थे। इनका कल बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो इनका जो मैंडिबल के जो मसल्स होते हैं वो बाहर आ गए थे, तो उसको हम लोगों ने स्विचिंग करके उसको प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू पूरा उसको अपने पोजीशन पे डाल दिया हम लोगों ने। और उन्हें एक फ्रंटल रीजन पे फ्रंटल बोन, वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोगों ने इनको एक सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा। लेकिन सीटी स्कैन का जो रिपोर्ट आया वो एकदम सही है, तो कुछ ऐसा नहीं है, माइनर सा हल्का बताया, वो रेस्ट से सही हो जाएगा। और एक हफ्ता 10 दिन तक उनका सुचर रहेगा, उसके बाद हम लोग उसको आराम से निकाल देंगे और वो इनको सर्जरी एंड ऑल। तो थैंक यू सो मच, कल हम थे नहीं और सर ने बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया, बहुत बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो चलो अभी हम आपको पहले तो ये दिखा देते हैं जो भी है एडवांस डेंटल सॉल्यूशन है, बाकी नंबर है सर का और आप यहाँ पे आ सकते हो। हाँ जी हाँ जी, तो थोड़ा पहले आपको हम हॉस्पिटल विजिट करवाते हैं, क्या है यहाँ व्यवस्था क्या नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो भी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट है, वो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सर का प्राइवेट हॉस्पिटल है। सर वैसे पारस में बैठते हैं और वहाँ पे HMD पोस्ट पे हैं, मुझे पता नहीं कौन सा पोस्ट होता है, सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कर देना हमें। तो सर की प्राइवेट आज थैंक यू सो मच सर, ये प्राइवेट बहुत अच्छा लगा, वहाँ जल्दी मिलने आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है रिपोर्ट में, घर की तरफ निकलते हैं। और सर का ये जो न्यू वाला जो उन्होंने अपना प्राइवेट डाला है क्लिनिक, हमने थोड़ा उसको विजिट कर लिया, सर को दिखा दिया, क्योंकि सर को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया है भाई को लेके। आ सकते हो, ये देखो एडवांस डेंटल सॉल्यूशन एंड मैक्स लाइफ फेशियल सेंटर, मतलब यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी से लेके सब कुछ अवेलेबल है, बहुत अच्छा सर्विस मिला, मतलब क्या बताऊँ आपको। कल मैं था नहीं यहाँ पे, थैंक यू सो मच सर का जो इतना ज़्यादा कॉपरेट किया भाई का, इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया ना कि क्या बताऊँ आपको। जो भी इसको स्टेजेस पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, वो इतने इस तरह से लगाया गया है कि मतलब इसको कोई भी दाग नहीं आना चाहिए, इस टाइप से हुआ है वर्क, तो बहुत अच्छा लगा। फिलहाल चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, सर ने रिपोर्ट बता दिया है एंड जो भी है ना वो काफ़ी सही है। घर चलते हैं, रिपोर्ट वगैरह क्लियर हो गया, पापा से बात करते, पापा काफ़ी घबराए हुए थे। तो रिपोर्ट हो चुका है, सब कुछ क्लियर है, बाकी जो भी बात था वो डॉक्टर साहब ने आपको बता भी दिया। और अब हम यहाँ से घर निकलते, शाम के 6:40 हो गए हैं, पटना से इस रिपोर्ट वगैरह सब कुछ लेके डॉक्टर से मिलके, और भी कुछ काम था हमारा, सब कुछ कंप्लीट हो गया और अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं। और संजोग से आज संडे है और आज भोले बाबा की यात्रा निकल रही है, डाक बम जा रहे हैं सभी लोग जल चढ़ाने के लिए। और आज तो वैसे काफ़ी कम है क्योंकि 2 मास लग गया है, 2 मास की वजह से ये जो 2 सोमवारी था ना इसमें काफ़ी कम भीड़ था। और अभी देख सकते हैं झंडा लेके कुछ लोग, कांवर लेके कुछ लोग, जल लेके बहुत सारे लोग जाते हैं और पैदल यात्रा करके भगवान शिव के लिंग पे जल अर्पण करते हैं और अपनी ख्वाहिश से अपनी मन्नतें मांगते हैं। ठीक है, रात के बज चुके हैं 8, हम पहुँच चुके हैं घर पे, चलते हैं अभी नीचे भाई है, और अभी 3 टाइम उसको इंजेक्शन वगैरह लग रहा है, 3 टाइम पानी चढ़ रहा है। और डॉक्टर से फाइनली मिल लिया, जो भी सब कुछ था डॉक्टर से आपने बात भी किया होगा, सब कुछ आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलो नीचे, अभी तक आपने भाई से मिला नहीं है तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं अभी सोया है या जगा हुआ है, तो अभी मिलते हैं। और रिपोर्ट वगैरह पापा जी को, पापा जी भी आ चुके हैं शॉप से, पापा जी को दिखाते हैं। घूमत
इस ब्लॉग से विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल वाले ब्लॉग में सारे कुछ अपडेट जो भी है ना वो सब कुछ देंगे। बहुत लोग अभी तक पूछ रहे हैं कि भैया कैसे हो गया, मतलब सब कुछ क्लियर वे में बात करते हैं, भाई की तबीयत के बारे में बात करते हैं और सब कुछ जानकारी आपको देते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।